दोस्तों, वैसे तो भारत की सभी भाषाएं बड़ी निराली और बहुत ही अनमोल हैं, पर हिंदी की बात ही कुछ निराली है। ऐसा ही एक चमत्कार हिंदी में मैं आपके सामने रखता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। चार मिले 64 खेले, 20 रहे कर जोड़, प्रेमी सज्जन दो मिले खिल गए 7 करोड़। मुझसे एक बुजुर्ग ने इस कहावत का अर्थ पूछा। काफी सोच विचार के बाद भी जब मैं नहीं बता पाया तो मैंने कहा, बाबा आप ही बताइए, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। तब एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बाबा समझाने लगे, देखो बेटे, ये बड़े रहस्य की बात है। चार मिले मतलब जब भी कोई मिलता है तो सबसे पहले आपस में दोनों आंखें मिलती हैं, इसलिए कहा गया है कि चार मिले। फिर कहा 64 खिले, यानी दोनों के 32-32 दांत कुल मिलाकर 64 हो गए। इस तरह चार मिले 64 खिले। 20 रहे कर जोड़, दोनों हाथों की 10 उंगलियां दोनों व्यक्तियों की 20 हुई। 20 मिलकर ही एक दूसरे को प्रणाम की मुद्रा में हाथ परवश उठ ही जाते हैं। प्रेमी सज्जन दो मिले, जब दो आत्मीय जन मिले, ये बड़े रहस्य की बात है, क्योंकि मिलने वालों में आत्मीयता नहीं हुई तो ना 20 रहे कर जोड़ होगा और ना 64 खिलेंगे। उन्होंने आगे कहा, वैसे तो शरीर में रोम की गिनती करना असंभव है, लेकिन मोटा मोटा 3.5 करोड़ बताते हैं बताने वाले। तो कवि का अंतिम रहस्य, प्रेमी सज्जन दो मिले खिल गए 7 करोड़, इसका अर्थ हुआ कि जब कोई आत्मीयता से मिलता है तो रोम रोम खिलना स्वाभाविक ही है मेरे भाई। जैसे ही कोई ऐसा मिलता है तो कवि ने अंतिम पंक्ति में पूरा रस निचोड़ दिया, खिल गए 7 करोड़, यानी हमारा रोम रोम खिल जाता है। भाई वाह, आनंद आ गया। हमारी कहावतों में कितना सार छुपा है, एक एक शब्द चाशनी में डूबा हुआ है, हृदय को भावा विभोर करता हुआ। इन्हीं कहावतों के जरिए हमारे बुजुर्ग, जिनको हम कम पढ़ा लिखा समझते हैं, हमारे अंदर गाहे बगाहे संस्कार का बीज बोते रहते थे। अपनी संस्कृति और अपने संस्कार यूं ही जीवित रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।